हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम कलेजी, जो बहुत ही यमी थी खाने में। देखिए मैं कैसे रुमाली रोटी के साथ तोड़ा है और उसको खाया है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने मशरूम को पीसेस में काट लिए हैं। अब मैं यहाँ पे फैन चढ़ा के इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम करूँगी और मशरूम के पीसेस को इसमें फ्राई होने के लिए रख दूँगी। तो मैंने थोड़ा सा ही तेल डाला है क्योंकि मशरूम में वैसे भी पानी छूटता है, तो आपको लगेगा कि जितने ज़्यादा हो गया तो उसे तब तक फ्राई होने देंगे। यहाँ मैंने अदरक और लहसुन कट कर लिए हैं और मसाले निकाल रही हूँ। मैंने हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला लिया है। मैं नमक बाद में डालती हूँ क्योंकि ऐसे में मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नमक बाद में डालती हूँ। यहाँ पे ये देखें, मशरूम में पानी अब छूटने लगा है। कितना हमें मशरूम को रेड करना है। अब यहाँ पे मशरूम का पानी सूख गया है, अब इसको मैं थोड़ा सा रेड फ्राई होने तक करूँगी। हल्का सा थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए वैसे ही करूँगी। यहाँ पर ऐसा कलर है, या आप इसे थोड़ा और भी डार्क कर लीजिए। अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसी पैन में मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के प्याज को, मैंने दो प्याज को चॉप्ड कर लिया है, पतले पतले स्लाइस में कट कर लिए हैं, और मैं इसे फ्राई होने दूँगी। जैसे ब्राउन अनियन, ब्राउन प्याज किए जाते हैं बिरयानी में डालने के लिए, वैसे ही मैं इसे फ्राई करके इसका पेस्ट बना लूँगी। जब हम प्याज को ब्राउन करके पेस्ट बनाएंगे तो हम उसमें पानी नहीं डालेंगे, हम सीधे ही उसको पीस लेंगे। हमें एकदम खूब महीन नहीं पीसना है, थोड़ा सा उसमें थोड़े से ब्राउन पता होना चाहिए। देखिए इतने ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे निकाल के ठंडा होने के बाद पीस लूँगी और इसे थोड़ा सा अलग कर लूँगी। देखिए इसमें तेल है अभी बच गया है, क्योंकि अभी इसी तेल में थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी और फिर मैं अपने इसमें मसाले डाल के इसे पीसूँगी। ये देखिए मैंने कैसे पीसा है, ऐसे ही हमें पीसना है। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन जो चॉप किए थे पीसेस में, वो मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन को। अगर आपको और भी अगर प्याज डालने का मन वैसे है तो डाल सकती, मगर पहले ब्राउन प्याज का लिया तो हम उसी से ही डालेंगे क्योंकि हमें थोड़ी ग्रेवी को थिक करना है। जब अदरक लहसुन हमारे पक जाए तो यहाँ पे हम वो जो प्याज को पीसा है वो डाल देंगे और थोड़ा सा भूनेंगे, फिर इसमें पानी डाल देंगे क्योंकि हमें थोड़ी ग्रेवी टाइप बनाना है और हमें प्याज को ज़्यादा जलाना नहीं है, वरना जलने वाली महक आने लगेगी। ये देखिए जिसमें पीसा था वही थोड़ा सा लग गया है प्याज, उसी में पानी डाल के मैं इसमें कर दूंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्याज को भूनेंगे अच्छे से और फिर जो मैंने मसाले निकाले थे वो डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। पानी डाल के अच्छे से पकने दूंगी कि मसाले तेल अपना छोड़ने लगे, मसाले का खुद का तेल आने लगे, जिससे थोड़ा और ज़्यादा स्वाद निखर के आए। यहाँ पर मैं मसाले को अच्छे से भूनूँगी कि जब तक ऊपर मसाले का तेल नहीं आ जाता है, उसकी खुशबू नहीं आ जाती है, तब तक हम इसे भूनेंगे। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो भी डाल सकती हैं, उससे थोड़ा और कलर अच्छा आ जाएगा। मेरे पास थी नहीं इसलिए मैंने नहीं डाला, तो आप डाल सकती। यहाँ पे ये देखिए कैसे तेल ऊपर ऊपर आ गया है। अब मैं इसी टाइम थोड़ा सा और भूनूंगी और अपने तले हुए मशरूम को इसमें ऐड कर दूँगी। मशरूम की ये जो मशरूम कलेजी है ये थोड़ी थिक ही बनती है, ग्रेवी टाइप की नहीं रहती है कि रोटी में से आप रुमाली रोटी के साथ खाएंगे बहुत ही यमी लगेगी। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, फॉलोवर्स बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और मैं अपने यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूँगी। आपको जितना नमक अच्छा लगता आप अपने अनुसार ही डालें, मैं अपने अनुसार डाल रही हूँ। ये देखिए अभी कलर उतना लग नहीं रहा है क्योंकि ये मेरी जो खुद की लाइट है, डे लाइट है, उसी रोशनी में मैंने ये आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसा, अभी और इसे पकने देंगे, थोड़ी सी ग्रेवी कम होगी, फिर आप 10 मिनट तक इसे पकाइएगा। और यहाँ पे मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अभी ये देखिए रखे सब्जी गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, आप इसे रुमाली रोटी के साथ खाएंगे बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। तो ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रखिए। थैंक यू सो मच।